नहीं, कुछ ये मांग ऐसी है कि हमें हर हाल में दिल्ली में डेरा डालना है, तो ये तय कर लिया गया कि जंतर मंतर पर हमें एक कार्यक्रम करना है और इस सरकार तक अपनी बात जो है वो पहुंचानी है। अब इन्होंने पांच बातें जो रखी है, पांच मुख्य मांग जो रखा गया है इनकी ओर से, जो तहरीक फिक्र मिल्लत के बैनर तले आज ये धरना हो रहा है ऐतिहासिक, जो माननीय हनीफ खान साहब और भावनाथ पासवान जी के नेतृत्व में हो रहा है, दोस्तों इन पांच मांगों पर कुछ मांगे तो ऐसी हैं जो तमाम तकरीबन विपक्ष में बैठे तमाम राजनेता इसको कर रहे हैं निरंतर। जैसा कि आपने ईवीएम पर प्रश्न उठाया कि ईवीएम जो संदेह के घेरे में आ चुका है, देश की जनता को यह संशय है, यह शंका है, यह शक है कि ईवीएम से अगर वोट होता है तो शायद वो पारदर्शिता नहीं होगी उसके अंदर, वो शफाफियत नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं उसमें यह शक की गुंजाइश रह जाती है कि हमने जिसे वोट दिया वो वोट वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो परिणाम में तब्दील हुआ या नहीं हुआ। तो ये तो पूरा भारत ये मांग कर रहा है, आपके इस मांग को तो पूरे भारत का समर्थन प्राप्त है कि ईवीएम से चुनाव जो है अविलंब बंद किया जाए और बैलेट बॉक्स पर जो है बैलेट बॉक्स को फिर से शुरू किया जाए और बैलेट पेपर पर चुनाव शुरू किया जाए। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण मांग है जिसको पूरा भारत का समर्थन प्राप्त है, और अगर यह सरकार इस मांग को नहीं मानती है तो यह मान लिया जाएगा कि जो कुछ कहा जा रहा है कि यह सरकार तानाशाही है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत की अधिकांश जनता और अधिकांश राजनीतिक दल और अधिकांश संगठन जब ये मांग कर रहे हैं तो लोकतांत्रिक सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि उस मांग को हर हाल में, चाहे वो मांग अगर लगे सरकार को कि यह अनुचित ही क्यों ना हो, लेकिन लोकतंत्र में जब बहुमत पर सरकार बन सकती है तो बहुमत के मांग को नकारा भी नहीं जा सकता है। इसलिए इस मांग का मैं भी समर्थन करता हूं, सरकार को इस मांग को मानना चाहिए। लेकिन दूसरा एक उससे भी प्रमुख मांग है आपका, आदरणीय भावनाथ पासवान जी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, और भाई अनिल खान साहब आप लोग संघर्ष करते हैं, आप लोग सदैव सरकारों से अपनी जो है बात रखते हैं, सरकारों के पास आप सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, आप नेतृत्वकर्ता है, सक्षम है, ऊर्जावान है, इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना पहले चाहूंगा। एक प्रमुख मांग जो आपने मुस्लिम आरक्षण का किया है और उसमें आपने यह शर्त जो लगाई है कि 9% आरक्षण हमें दिया जाए, इसको जरा मैं चाहूंगा कि इस पर अपनी राय और अपने संगठन की राय में रखूं, फिर आप उस पर विचार करें। जो सरकार से हम लोग निरंतर 25 साल से इस मांग को कर रहे हैं, भारत में पहले संवैधानिक आरक्षण 3 प्रकार के थे, SC ST OBC, 340, 341, 342, लेकिन अब आरक्षण दुर्भाग्य से 4 प्रकार के हो गए। एक नया वाला फार्मूला जो 10% वाला आया है उसको इंक्लूड करते हैं तो 4 प्रकार के आरक्षण है भारत में। केवल आप लोग नहीं, ये माइक की आवाज जहां तक जा रही है उन सबों से मैं कहूंगा कि जरा सा हृदय को साफ कर, कान को साफ कर मेरी इस बात को सुनेंगे और आप बताएंगे कि क्या हो रहा है इस देश में। 4 प्रकार के आरक्षण है, आरक्षण 340 कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं, आरक्षण 342 कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं, और मॉडल आरक्षण, न्यू आरक्षण, थोपा गया आरक्षण, असंवैधानिक आरक्षण जो अभी लेटेस्ट आया है 10%, उसमें भी कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं। तो फिर जब 3 प्रकार के आरक्षण में धार्मिक प्रतिबंध नहीं तो अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध क्यों? ये असल प्रश्न है कि क्यों आपने इसमें मजहबी पाबंदी लगाई, क्यों इसमें आपने धर्म का जिक्र कर दिया, जब भारतीय संविधान ये कहता है कि आरक्षण धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर नहीं दिया जाएगा। एक बात और जान ले, ये जो आरक्षण है ये जाति के आधार पर नहीं है, जो 341 और 40 और 42 आप देख रहे हैं, जो SC आरक्षण है, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, किसी जाति का आरक्षण नहीं है, ये एक वर्ग है, एक समूह है, एक उसकी सामाजिक
स्थिति को सामने रखकर उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आरक्षण का आधार जाति नहीं, आरक्षण का आधार धर्म नहीं, आरक्षण का आधार क्षेत्र नहीं, जो आज नई नई बातें चल रही है, अलग अलग राज्यों में भी कुछ आंदोलन हो रहे हैं अलग अलग। आरक्षण का आधार सामाजिक है और सामाजिक स्थिति जिसकी जैसी है उसी अनुकूल इन तीनों आरक्षणों में उनका प्रतिनिधित्व समाहित किया गया है। ऐसा नहीं कि कहीं आरक्षण में ये लिखा हो कि अगर अनुसूचित जाति आरक्षण है तो वो केवल फला और फला को मिलेगा और फला को नहीं मिलेगा। यदि ऐसा संविधान में होता तो भारत के संविधान जो दुनिया में सबसे अच्छा संविधान कहा जाता है नहीं कहा जाता। लेकिन दुर्भाग्य से इन मनुवादियों ने, संविधान विरोधियों ने, इंसानियत के दुश्मनों ने इस देश के आजाद होते ही संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और केवल चंद महीनों के अंदर 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 यानी आईने हिंद के दफा 341 पर मजहबी कैद, धार्मिक प्रतिबंध, रिलीजियस बैन लगाया और यह कहकर लगाया कि यह आरक्षण केवल और केवल हिंदू दलितों को मिलेगा, केवल और केवल हिंदू दलितों को मिलेगा, अन्य को नहीं मिलेगा। प्रोटेस्ट शुरू हुआ, विरोध शुरू हुआ। सरदार तारा सिंह के नेतृत्व में पहले सिखों ने विरोध किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब आरक्षण का आधार सामाजिक है तो फिर इसे धार्मिक क्यों किया जा रहा है। 1956 में नेहरू जी को यह लगने लगा कि सिख जो है ये छोटा सा समूह है, अगर समय रहते इस आंदोलन को नहीं दबाया गया तो मुसलमान भी खड़ा हो जाएगा, ईसाई भी खड़ा हो जाएगा, बौद्ध भी खड़ा हो जाएगा, पारसी भी खड़ा हो जाएगा और जो जो सामाजिक पिछड़ेपन का शिकार होगा वो सब इस लाइन में आकर खड़ा हो जाएगा। नेहरू जी ने बड़ी चालाकी से 1956 में सिखों को इसमें शामिल कर लिया। उसके बाद बागिस्टों ने आंदोलन शुरू किया, विभिन्न अदालतों से, विभिन्न राज्यों में हल्ला हंगामा करते करते और अदालत की लड़ाई लड़ते लड़ते अंततः 1990 में वीपी सिंह की सरकार में बागिस्टों को भी इसमें इंक्लूड किया गया। इसका मतलब ये साबित हो गया था कि 341 पर जो धार्मिक प्रतिबंध लगा था वो गलत था। अगर गलत नहीं होता तो आपने सिखों को क्यों शामिल किया, आपने बौद्धों को क्यों शामिल किया, और यदि आपने किया तो इसका मतलब है। मैं उस समय भी कांग्रेस सरकार को कह रहा था और आज भी मैं कह रहा हूं, कुछ लोग भाजपा हटाओ और कांग्रेस जिताओ के नारे देने लगे इस देश में, नहीं, मनुवाद हटाओ और अपनी सरकार बनाओ, अपनी सरकार बनाओ। आप सक्षम हो, आपके आपके दिमाग में कौन सा कूड़ा डाला गया कि आप एक को हटाकर, एक दुश्मन को हटाकर दूसरे दुश्मन को लाने की वकालत करते हैं? क्या भावनाथ पासवान सक्षम नहीं है? क्या हनीफ खान सक्षम नहीं है? क्या डीसी कपिल सक्षम नहीं है? क्या भानु प्रताप सक्षम नहीं है? क्या आप लोग सक्षम नहीं है? सरकार कौन चला सकता है? अरे आबादी हमारी तो सरकार हमारी होनी चाहिए थी। आप एक मनुवादियों की गुलामी को छोड़ते हैं और दूसरे मनुवादियों की गुलामी को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए मेरा कहना है, न भाजपा हटाओ न कांग्रेस हटाओ, सीधी बात, संविधान विरोधी ताकतों को बिल्कुल हटाओ और संविधान समर्थकों को सामने लाओ, उन्हें बल दो, उन्हें ताकत दो, उन्हें वो तमाम अधिकार दे दो कि वो स्वयं बांटने वाले बन जाए, मांगने वाले ना बने। हम हमेशा मांगते मांगते अभी भाजपा से मांग रहे हैं, कल कांग्रेस कांग्रेस की सरकार आएगी फिर कहेंगे माए बाप मुझे ये दे दो, मुझे वे दे दो, मुझे आरक्षण दे दो, मुझे प्रमोशन में आरक्षण दे दो, मुझे न्यायपालिका में आरक्षण दे दो। अरे 70 साल गुजर गए, हाथ जोड़कर मांगते मांगते मांगने की आदत छोड़ो और बांटने के वाले बन जाओ। मैं कहता हूँ जब तक आप बांटने वाले नहीं बनोगे, जब तक सत्ता पर आप काबिज नहीं होगे तब तक आपके समस्या का समाधान नहीं होना है। इसलिए समस्या का समाधान अगर करना है, मेरे हाथ जोड़कर विनती है भावनाथ पासवान जी, आदरणीय डीसी कपिल जी, आदरणीय हनीफ खान साहब और हमारे भानु प्रताप जी, ये वो सारे लोग हैं जो नेतृत्व करते हैं, जो समाज को दिशा और दशा देते हैं। मैं इनसे विनती करता हूँ कि आप समाज को जगाइए, तैयार कीजिए, संघर्ष कीजिए। आपको आगे आना पड़ेगा, आपको जूझना और संघर्ष करना पड़ेगा, आपको बलिदान और त्याग देना पड़ेगा। आपके पैर अगर डगमगा गए, आप अगर लड़खड़ा गए तो समाज को आप दिशा नहीं दे सकते हैं। समाज आशा लगाए बैठी रहती है कि हमारा नेतृत्व सक्षम है, हमारा नेतृत्व मजबूत है, हमारा नेतृत्व कुछ लेकर दम लेगा। लेकिन हम छोटे मोटे बातों में समझौता कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजों में समझौता कर लेते हैं। समझौता न कीजिए, लड़ना सीखिए। लड़ने वाला ही सफल होता है, समझौता करने वाला सफल नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, ये जो आपने मुस्लिम आरक्षण का मांग किया है, मैं
व्यक्तिगत रूप से इसका विरोध ही हूँ, क्योंकि शब्द मुस्लिम, शब्द हिंदू, शब्द सिख, शब्द ईसाई ये भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है, बल्कि आरक्षण सामाजिक आरक्षण है और संवैधानिक आरक्षण है। जिस व्यवस्था में अनुसूचित जाति के हिंदू रहते हैं, जिस व्यवस्था में अनुसूचित जाति के बौद्ध रहते हैं, उसी व्यवस्था में अनुसूचित जाति के मुस्लिम रहते हैं। आप यहाँ पर बड़े बड़े इतिहासकार हैं, भारत का मुसलमान देख ले। एक बात और याद रखें साथियों, मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, 5 से 6 मिनट नहीं लूंगा। ये बात मैं जब तक नहीं कहूंगा तो मुझे लगेगा मैंने कुछ कहा ही नहीं। एक बात बता दूं, इस देश में तथाकथित राष्ट्रवादी हमेशा जो है राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं, जबकि यह असंवैधानिक नारा है। भारत गणतंत्र है, गणराज है, राष्ट्र का मतलब है, राष्ट्र एक गढ़ी हुई शब्द है। बहरहाल इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना, विशेषकर मुस्लिम भाइयों, भारत का अधिकांश मुस्लिम, मैं 100% मुसलमान नहीं कह रहा हूं, अधिकांश मुस्लिम कन्वर्टेड मुस्लिम है। कोई भी बड़ा से बड़ा इतिहासकार मेरे सामने आए, डिबेट करके जरा हमें बता दे, 2 सेकंड में मैं मुसलमानों को बता दूं, ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमत के हाथों पर 99 लाख लोगों ने ईमान लाया, कि यह कहानी आपने सुनी कि नहीं सुनी। मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं, ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों 99 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अरे भाई, इस्लाम लाया मतलब कहां थे वो, उससे पहले क्या थे? इस्लाम कबूल किया का मतलब उससे पहले क्या थे? ख्वाजा गरीब नवाज कहां आए थे? भारत की भूमि पर आए थे, राजस्थान आए थे, अजमेर आए थे, और वहां से उन्होंने तहरीक शुरू की। भारत के लोग, मैं ये कह रहा हूं भारत के लोग थे। भारत में जो भी मुसलमान है, बड़ी आबादी कन्वर्टेड मुस्लिम है, तुम मंदिर हमको जाने नहीं देते थे, भागकर हम मस्जिद चले गए, तुम हमको खाना खाने नहीं देते थे, मुसलमानों ने कहा दस्तरखान पे आओ, एक दस्तरखान पे खाओ, तुम हमें कुआं छूने नहीं देते थे, मुसलमानों ने कहा कि ये गिलास तुम पानी पियो, उसी गिलास से मैं पानी पियूंगा, मानव मानव एक समान है, कोई भेदभाव नहीं। तो वहीं से मैं आया हूँ, मैं जब वहीं से आया हूँ भाई मेरे, तो मेरी जाति नहीं बदली, मेरा सामाजिक स्टेटस, मेरा सोशल स्टेटस नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ धर्म बदला है। केवल इस्लाम हमने कबूल किया है, हमारी बिरादरी आज भी वही है, इसलिए अनुच्छेद 341 पर जो धार्मिक प्रतिबंध है वो सरासर गलत है, संविधान पर काला धब्बा है, संविधान के विरोध में है, इसलिए उस काले धब्बे को मिटाने के लिए मैं भावनाथ पासवान जी और हनीफ खान साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस आरक्षण की जब भी बात करो तो अनुच्छेद 341 पर केवल जो धार्मिक प्रतिबंध है वो हटा दो, और दलित शक्ति का एकीकरण, चाहे दलित मुस्लिम हो, चाहे दलित सिख हो, चाहे दलित बौद्ध हो, चाहे दलित कोई भी हो, वो सब दलित तो दलित है, दलित दलित है एक समान, माने चाहे कोई धाम, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये धार्मिक स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म में चला जाए, लेकिन जो सोशल स्टेटस हमारा है, जो सामाजिक स्थिति हमारी है, वो जस की तस है। इसलिए मैं सरकार से इस धरने के माध्यम से ये मांग करूंगा, और आपने लिख रखा अपने मांग पत्र में, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अनुच्छेद 341 का भी जिक्र कर रखा है, इसलिए मैंने इसको छेड़ा। ये मामला जो है मुस्लिम रिजर्वेशन का है, और मुस्लिम रिजर्वेशन शब्द जो है पिछले 8-10 सालों से मैं सुन रहा हूं, हमको मुस्लिम रिजर्वेशन शब्द न कह के केवल इतना कहना चाहिए कि अनुच्छेद 341 पर जो आपने धार्मिक प्रतिबंध लगाया है उसे समाप्त कर दीजिए। हाँ, अब आपको अगर घर में झगड़ा हो रहा भाइयों में, जैसे ओबीसी में आपको लगता है कि कोई ओवरटेक कर रहा है, तो आप उसको घर में बैठ के कुछ तय कर सकते हैं, या एससी में लगेगा कोई ओवरटेक कर रहा है तो कर सकते, ये घरेलू मामला है, ये संकट बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन ये संकट बड़ा है कि आपने आरक्षण पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया है, ये गैर संवैधानिक है। चौथा जो आपने मांग किया, तीसरा, वो मांग भी आपका महत्वपूर्ण है, आप लोग संघर्षशाली लोग हैं, आप लोगों ने एक बड़ी अच्छी मांग ये रखी है कि पुराने पेंशन, यहाँ बड़ी विचित्र स्थिति है, कभी सरकार जो है कहती है कि हमारे खजाने में कुछ है ही नहीं, और कभी कहती है 33,000 करोड़ ले लो, 35,000 करोड़ ले लो, इतना हजार करोड़ ले लो। शेम, दुर्भाग्य इस देश का, जब देश में इतनी बड़ी घटना घटी, पूरा देश सदमे में था, पूरा देश गम में था, और देश का प्रधानमंत्री जब बिहार के दौरे पर 17 तारीख को, भावनाथ पासवान जी वकील साहब, 17 तारीख को बिहार, भारत का प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर जाते हैं, और बेगूसराय में चुनावी कार्यक्रम है, और 15 किलोमीटर दूर लखीसराय, 20 किलोमीटर दूर वहां पर है, वहां सेना के ताबूत आए हुए हैं, शहीद के ताबूत,
लखीसराय में रखे हैं और भारत का प्रधानमंत्री बेगूसराय में कह रहा है 80 करोड़ दू की नहीं दू, 90 दू की नहीं दू, कितना लोगे, मैं मोदी हूँ, मैं भाजपा सरकार हूँ, ले लो मैंने सब कुछ दे दिया, आज बिहार का कंगाल। अरे क्या कर रहे हो ड्रामा साहब, भाइयों बहनों कर करके आप ड्रामा मत करो, देश गम में और सदमे में डूबा हुआ है और शहीदों के ताबूत अभी रखे भी नहीं गए हैं और आप राजनीति करना शुरू कर रहे हो। ऐसी सरकारों से आप उम्मीद ना पालो, ऐसी सरकारों को उखाड़ कर फेंकने की तैयारी करो आप। जब तक ये सरकार उखाड़ कर नहीं फेंकोगे आप, आपका कोई मांग इस सरकार में नहीं मांगा जाएगा। ये सरकार तो संविधान में हेरा फेरी करते हुए असंवैधानिक 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 10% आरक्षण, कहीं से संविधान में इसके प्रावधान नहीं है, इसकी व्यवस्था नहीं है, ना तो जातीय जनगणना किया गया, ना आर्थिक जनगणना है देश में, कितना गरीब है, किस तरह का गरीब है, कैसा गरीब है, क्या आय का स्रोत है, क्या कमाता है, क्या खाता है, कहां से क्या करता है। आपने आरक्षण दे दिया साहब, पूरा 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 आंकड़ा बता रहा है, पूरा डेटा बता रहा है, क्या कॉलेजों में प्रोफेसर, हाई स्कूलों में टीचर, माध्यमिक विद्यालयों में टीचर, प्राथमिक विद्यालयों में टीचर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर, तमाम विभागों में उनकी जनसंख्या आज भी 60-70% है, फिर भी उनको आप आरक्षण दे रहे हो और हमारी जनसंख्या 1.5% बच गई है भारत के अंदर, आप हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रहे हो, ये हो क्या रहा है इस देश में। इसलिए ऐसी सरकारों को उखाड़ कर फेंकना बहुत जरूरी है। आपने जो कुछ भी मांग किया है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की ओर से, उन तमाम मांगों का पूरा पूरा समर्थन है और केवल यहाँ नहीं, इससे आगे की लड़ाई में भी हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। भाई हनीफ खान साहब, भाई भावनाथ पासवान जी, आपको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय मीम।